हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए नौकरी के एपिसोड में। आज के नौकरी के एपिसोड में हम जाएंगे रेसिंग में, और मैं इस रूम में हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये फुटबॉल है, अमेरिकन फुटबॉल, बास्केटबॉल है, अरे ऊपर चढ़ गया, बास्केटबॉल रखा है यहाँ, कुछ कपड़े रखे हैं, और यहाँ देखिए कंप्यूटर सेटअप, टेबल मस्त है एकदम, दो दो मॉनिटर है। ऐसा मॉनिटर मुझे भी चाहिए दो, एक स्ट्रीमिंग करने के लिए और एक आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए। ड्यूअल मॉनिटर चाहिए यार मुझे, जब हो जाएगा तब अब मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूँगा। तो चलो जाते हैं यहाँ से, आज मैं एक्साइटेड हूँ रेस के लिए। देखते हैं कौन सी रेस होने वाली है, गैराज में चलते हैं हम। तो हम गैराज में आ गए हैं अभी दोस्तों। ये देखिए इतनी गाड़ी मैंने इंस्टॉल की है, इससे ज़्यादा करूँगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए इतनी ही गाड़ी की है। आज फेरारी का दिन है तो फेरारी में जाते हैं हम। आज फेरारी का दिन है, देखते हैं फेरारी क्या करती है आज। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं रेस के लिए, रेस के लिए सभी एक्साइटेड रहते हैं। फ्यूल स्टेशन जाएंगे हम, पहले फ्यूल भरेंगे और फिर रेस करेंगे हम। ये गाड़ी को स्पीड बहुत अच्छी है, इसलिए ज़रा आराम से चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताइए, आपको पूरी लंबी रेसेस देखनी है आधे घंटे के ऊपर वाली, या आधे घंटे की रेस देखनी है। ये वाली रेस काफ़ी लंबी होती है क्योंकि फ्यूल फुल रहता है ना यहाँ एंड तक, इसलिए आधे घंटे से ऊपर जाती है। और ये एग्ज़ाम्स का सीज़न चालू है दोस्तों, तो अगर आपकी एग्ज़ाम्स है तो आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए और फिर वैकेशंस में आप एंजॉय करिए। आपकी एग्ज़ाम्स अच्छे जाए ऐसा मैं आपको विश करता हूँ। और मुझे आज गाड़ी नहीं ठोकनी है यार। बस के मार्ग के बारे में मैं ये कहूँगा, मैंने ट्राई किया और मैंने गाड़ी ठोकी। बस के मार्ग के बारे में मैंने ये कहना है कि मैंने ट्राई किया है मार्ग पर चल ही नहीं रहा है। तो बस का खेलने का एक ऑप्शन है कि मैं लोगों को बस में बिठाऊँ और उन्हें छोड़ दूँ सीधा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। अगर ऐसा मार्च ऐसा करना है तो हो सकता है, वरना कोई चारा नहीं है। बस का कोई प्रॉपर मार्ग नहीं चलता है अभी, बहुत लोगों ने बस की रिक्वेस्ट की है। और बाकी नए नए एपिसोड्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना आप, एक नया एपिसोड आएगा थोड़े दिन में, आपको ज़रूर पसंद आएगा, वो देखना आप। आज तो मैंने अच्छी ड्राइविंग की है, बस सिर्फ थोड़ा ठोक दिया मैंने बस, उसके बजाय तो मैंने अच्छी किया। और नए सब्सक्राइबर्स का मैं वेलकम करता हूँ दोस्तों, ज्वाइन होने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। सभी सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करता हूँ मैं, आपके सपोर्ट की वजह से हम रोज़ वीडियो बना पा रहे हैं। तो देखते हैं आज की रेस कैसी जाएगी। पिछले टाइम हम गए थे वो एयरफील्ड वाले ट्रैक में गए थे, तो आज मैं सोचा ब्रिज वाले में जाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा ब्रिज वाला ट्रैक अच्छा नहीं है, एयरफील्ड वाला ही अच्छा है, पर देखता हूँ मैं आज आराम से यार एयरफील्ड वाले ट्रैक में, ब्रिज वाले ट्रैक में क्या होता है। और यहाँ से मैं जाऊँगा ना, जब भी कोई ना कोई सामने से चल के जाता ही है, देखो कोई ना कोई सामने से चल के हर टाइम जाता है। चलो फ्यूल भर दिया, अब हम जाते हैं। ये रेस की लोकेशन है, तो दोस्तों आप बताना भूलना मत कि आपको लंबी रेस चाहिए या आधा घंटे की रेस चाहिए। पहले मैं पुलिस को ऑफ करता हूँ, फिर व्हीकल फिक्स और क्लीन हो गया। अब हम रेस को स्पॉन करते हैं और हम भी खुद रेस में ज्वाइन होते हैं। चलो ज्वाइन हो गए हम। आज कैसी कैसी गाड़ियाँ आई हैं, अलग अलग स्टाइल की गाड़ियाँ आई हैं। ओ इंजन वाली गाड़ियाँ भी आई हैं, मतलब हार तो पक्की है थोड़ी। अरे यार इसके अगेंस्ट हमारा पहला रेस है, हर टाइम पहला रेस ऐसा क्यों होता है यार, एकदम भारी गाड़ी के अगेंस्ट ही होती है। देखते हैं, पैसे तो हारने वाले हम पक्का है, इसलिए मैं ये ट्रैक में नहीं आता ज़्यादा, यहाँ मॉडिफाइड गाड़ियाँ आती है। पूरा टेम्परेचर डालूंगा मैं तो,
अरे पीछे देखो कौन सी गाड़ी है। तो दोस्तों ये रेस होने वाली है, बैट्स डाल दिया लोगों ने, मेरे पे एक ही ने बैट किया। ये रेस होने वाली है दोस्तों, शुरू। गया, कोई मौका नहीं हमारे पास। वो देखो, कोई मौका नहीं। 12.8 और वो 9.4, पूरे पैसे गए, 2 मिलियन हार गए शायद। कुछ नहीं कर सकते यार ऐसे लोगों के अगेंस्ट, ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए। पहला रेस ही ऐसे इसके साथ होता है, बाद में तो हुआ था जब ज़्यादा बैट लगी रहती है। ये देखो सब मॉडिफाइड ही है। उस मॉडिफाइड से लड़ने से अच्छा तो मैं किसी खटारे से रेस करूँगा, और खटारा हमारे साथ रेस करेगा ही नहीं। ये भी मॉडिफाइड है, ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही। क्या भाई रेस करोगे क्या? Doesn't really feel confident. रेस करना चाहते हो? पहला रेस हार चुका हूँ मैं किसी शिकार की तलाश में हूँ, यानी बकरे की। रिफ्यूज़ कर दिया उसने, रिफ्यूज़ कर दिया है। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा रेस किसी ना किसी को मेरे साथ। तो दोस्तों आपकी रेसेस की फेवरेट होता है आपका रेसेस, मैं जानता हूँ रेस आपको पसंद होती है। तो रेसेस होती है संडे को और ट्यूसडे को, अगर आप रेसेस के फैन हो तो संडे और ट्यूसडे। आज काफ़ी मॉडिफाइड गाड़ियाँ हैं ये यार। वो कुत्ते को देखो, और ये रेस हो गए शुरू, और रेस कैसे जा रही है देखते हैं हम। मैप में एक जन आगे निकल गया है काफ़ी। कितना टाइम मारता है वो? 14.4, इससे तो जीते होते हम, 16 दोनों से जीते होते। नेक्स्ट हमारी रेस है, कौन चैलेंज कर रहा है, कौन चैलेंज कर रहा है हमें? अरे ये गाड़ी कौन सी, नई गाड़ी आई क्या? ए, ए, ए मुझे ठोक मत। अरे ठोकता था वो, किसके साथ है हमारा? इट्स योर टर्न, कोई मॉडिफाइड ना हो यार। अरे उसी के साथ है जिसको मैं बोल रहा था रेस लगाता है कि। चलो अच्छा है, उतना तो अच्छा है उसके साथ है। इसको तो हम हराएंगे, बैट्स माइनस में नहीं होनी चाहिए वरना हम पैसे हार जाएंगे। वेदर कैसा है? स्ट्रेस नहीं, किधर है वहाँ, क्यों नहीं रहे? चल भाई आ जा, उल्टा आ रहा है। आ जा, पहला शिकार मिला हमें आज। ये मॉडिफाइड वाली गाड़ियाँ आती है यार यहाँ पे बहुत, इसलिए मैं एयर ट्रैक में नहीं आता। सब मॉडिफाइड आती है, ऐसे नॉर्मल गाड़ी आनी चाहिए ना। गाड़ी तो बहुत अच्छी है इसकी, कहीं ये भी मुझे हरा ना दे। तो दोस्तों ये रेस होने वाली है, शुरू। उसको अच्छी स्टार्ट मिली और उसको पावर भी है, और उसने मुझे हरा दिया। क्या सोचा था मैंने और क्या हुआ? क्या टाइम मारा है उसने, 11.38। अरे बाप रे बाप, हम तो 12.5 मार सकते, इसने भी हराया हमें। तो आज के दिन समझ लीजिए किस तरह की गाड़ी है। दो रेस हार गए हम, क्या सोचा था मैंने और क्या हुआ यार। ये ट्रैक तो भारी पड़ता है हम पे, क्योंकि यहाँ मॉडिफाइड गाड़ियाँ आती है। ये देखो, इसको भी हरा पाऊँगा क्या मैं, पता नहीं। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है यार रेस हार के।
रेस आर के कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है, रेस करेगा क्या? अरे ये तो मॉडिफाइड रेस के साथ होना भी नहीं चाहिए। अच्छा वाह, रिफ्यूज़ किया। कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, सब ना बोलते हैं। यहाँ हर टाइम कुत्ते आते हैं बीच पे, ये लोग भाग क्यों रहे? कुत्ते के लिए भाग रहे क्या? और कुत्ता डूब नहीं रहा पानी में? अरे कुत्ता डूब गया। रेस खत्म, नेक्स्ट हमारा होना चाहिए। कौन चैलेंज कर रहा है हमें? कोई एक शिकार दे दो यार, पिछले टाइम मैं सोचा था कोई शिकार मिला, मेरी गलती थी वो। आज के एपिसोड से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है जीतने की, क्योंकि जिस तरह की गाड़ियाँ आई है यहाँ। हाँ हाँ, ये इसको तो हरा सकता हूँ मैं। अगर इसको भी नहीं हराया ना, फिर तो शर्म है मुझ पर। अगर इससे भी हार गया तो फेरारी का नाम खराब हो जाएगा। फेरारी का नाम खराब हो जाएगा अगर इसे भी नहीं हरा पाया तो। ये साइड में हार ही रहा हूं मैं। चलो देखते हैं क्या होता है इस रेस में। आ जा भाई, आ जा, एकदम आराम से आ रहा है स्लो मोशन में। पीछे गया, अब आगे आएगा। आ जा प्लीज यार, मेरे को जीतना है इससे। देखते हैं ये रेस और हुई स्टार्ट। जल्दी मारा यार उसने गोन, वो तो शुक्र है ये बेकार था, इसलिए हम हरा पाए इसे। कोई दम नहीं है इसमें, थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए हमें चाहिए था एक बच्चा चाहिए था। 12.6, चलो ठीक है 12.5 मारता हूँ मैं यूजुअली इस पे। चलो शुरुआत तो हुई। देखते हैं हम नेक्स्ट रेस में कौन मिलेगा। एक आसान सा शिकार मिला हमें नेक्स्ट रेस। ऐसा मॉडिफाइड वाला गाड़ियाँ क्यों आती है? इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसी गाड़ी डिसेबल करने के लिए। ये ब्लैक वाला गाड़ी रेस करेगा क्या मेरे साथ? अच्छा लग रहा है, मेरे मुकाबले का लग रहा है ये वाला गाड़ी। रेस करेगा क्या? कॉन्फिडेंट? हाँ बोलेगा शायद, लगता है। हाँ यार, हाँ बोला, एक्सेप्ट किया। तो हमारा नेक्स्ट अपोनेंट है वो है। ये कुत्ते फिर से आ गए। देखते ये रेस कैसी जाएगी। पहुंचे क्या इन लोग ऊपर? अरे वो गोल गोल तो नहीं घूम रहे कहीं? शायद गोल गोल घूम रहा है, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा जाके। अगर वो फंस जाते हैं ना, उनको ठीक करना पड़ता है। फंस गया लगता है। ये देखो जा भाई जगह पे, फंस जाते हैं उन लोग तो उनको धक्का देना पड़ता है। वैसे भी नेक्स्ट हमारा ही है फिर। गाड़ी को खरोच हो गई यार थोड़ी, ये दोनों के बीच में मेरी रेस होनी चाहिए थी। हम डर क्यों रहे यार, रेस थोड़े हारे चलेगा। अरे क्या स्पीड है उसको, कितना मारा? 9.19। अरे बाप रे, नॉर्मल लग रहा था वो तो। ऐसे लोग लोग का तो मुकाबला ही नहीं हो सकता यार, ऐसे मॉडरेट गाड़ी बैन होनी चाहिए।
और इसमें मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं वो साइड वाले रेस में जाता हूँ, वहाँ ऐसी गाड़ी कम आती है। ये ट्रैक में ज़्यादा आती है ऐसी गाड़ी, पर आप लोगों को ब्रिज वाली रेस देखनी थी तो इसलिए आज मैं किया यहाँ। देखते हैं आप क्या होता है। आजा भाई आजा, तू मुझे हराएगा या मैं तुझे हराऊंगा, देखते। देखो उल्टा आ रहा है, इसको हमने हराया था पिछले टाइम, फिर से आ रहा लगता है। आओ जल्दी, आपको ब्रिज वाली देखनी थी तो मैं ब्रिज वाला ट्रैक आज लिया है, देखते क्या होता है, ध्यान देता हूँ एकदम। चलो रेस स्टार्ट हुई है, उसको लॉन्च अच्छा मिला था, क्या हम 12.5 को तोड़ पाएंगे, हमारा बेस्ट है 12.4। अरे वाह 12.5 का हमने तोड़ा, थोड़े पैसे मिले, चलो इससे तो भरोसा था हमें जीतेंगे। वो नेक्स्ट किसके साथ होगी रेस, अगर मैं हारता भी हूं ना दोस्तों कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि गाड़ियां ही ऐसी है, अब क्या करें, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता, यहाँ मॉडिफाइड गाड़ियां आती। देखो एक से एक मॉडिफाइड बैठे, ये लोग रेस नहीं करते क्या, तब से ऐसे बैठे, इसका इंजन मॉडिफाइड है क्या, ये रेस करेगा क्या, क्या दोस्त रेस करेगा, इट विल बी ए क्लोज रेस, हरा सकता है ये मुझे, हाँ या ना, क्या बोलता है, एक्सेप्ट किया है, अब पता चलेगा कैसी गाड़ी है इसकी फरारी के मुकाबले। और मैप में देखता हूँ ये लोग पहुँचे क्या, वरना गोल गोल घूमने लग जाएगा, वो पहुँच गया। बैट यहाँ से कैसे लगा सकते, ये लोग कैसे लगाते हैं यहाँ से बैट, और कुत्ता आएगा, ये लोग फिर पानी में जाएंगे और फिर कुत्ते पीछे जाएंगे, कितने बार होता है ऐसा। और रेस का क्या, 11.4 कौन है, 11.4 मारा एक ने, नेक्स्ट अपना है, ये हराएगा मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, टफ फाइट दूंगा मैं उसे। ऐसा इक्वल गाड़ी होना चाहिए, मतलब काफी क्लोज रेस हो, एक कोई गाड़ी स्ट्रांग होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए मैं थैंक यू कहूँगा आपको, आपने मेरे चैनल को चुना, उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आते होंगे। अरे अपने जगह पे जा भाई, अब ये टेढ़ा हो गया, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। घूम क्या घूम क्या, ये लोग फंस जाते हैं ना, इसको लाइन में लाना पड़ेगा मुझे, हाँ हाँ पीछे जा और सीधा हो, बस बस चलो आ जाओ, देखते हैं कैसी रेस होने वाली, मेरे को तो क्लोज लग रहा है। तो दोस्तों ये रेस होने वाली है शुरू, काफी स्पीड है उसे, पर मेरे से ज्यादा है क्या, नहीं मेरे से ज्यादा नहीं है, क्या हम 12.4 को तोड़ पाएंगे, इसकी गाड़ी तो अच्छी लग रही थी, 12.6
इतना स्लो? मैं तो सोचा था अच्छा टाइम आएगा, मैंने सोचा था अच्छा टाइम होगा 12.6। पिछले रेस में हमने अच्छा टाइम मारा था। अब नेक्स्ट किसकी रेस है? देखते कोई बढ़िया सी गाड़ी है क्या। ब्लैक वाले के साथ तो किया, वो इनमें से कौन सी बहुत अच्छी है पता नहीं। यहाँ खतरनाक वाली गाड़ियाँ भी है, इसके साथ नहीं किया, इसके साथ करते। रेस चाहिए क्या? सब सिगरेट पीते रहते हैं यहाँ आके। रिफ्यूज किया, रिफ्यूज किया है। ये रेस करेगा क्या? हाँ या ना? लोग यार कुत्ते घुमाने आते हैं यार हर टाइम। रिफ्यूज द चैलेंज, इसने भी चैलेंज रिफ्यूज किया। और ये लोग क्या पहुंचे नहीं अभी तक? लगता है वो फंस गया, गोल गोल घूम रहा है। मुझे ठीक करने जाना पड़ेगा उसे। फंस गया। ओ मेरी गाड़ी जाओ, देखो ये गोल गोल घूम रहा है। इनकी ये प्रॉब्लम है, ये मार्ड में ये प्रॉब्लम है। अब तो जा, अब उल्टा आ रहा है तो गोल गोल घूमने की क्या तकलीफ है पता नहीं। सीधा जा, चलो नीचे जाते। हमें कौन चैलेंज कर रहा है? कोई नहीं मिला यार हमें चैलेंज करने के लिए। वो खतरनाक गाड़ी से तो नहीं करूँगा मैं, अपने मौत के पास खुद चल के नहीं जाऊँगा मैं। क्या इसके पास ये करेगा? नहीं, डजेंट रियली फील कॉन्फिडेंट, रिफ्यूज द चैलेंज। अब हमें बैठना पड़ेगा, जो मिलेगा वही, देखते कौन सा मिलता है। 14.4। नेक्स्ट किसका है? मुझे करो कोई चैलेंज। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई नहीं, कोई तो होगा। मैं वेट कर रहा हूँ चैलेंज के लिए। ओके ब्लैक लिंक्स, कौन है ब्लैक लिंक्स? फिर से इसके साथ किया था ना हमने, हारे थे हम इससे, वही है क्या जिससे हारे थे? ओह नो, फिर से यही है लगता है। नहीं ये था कि कोई और था? देखेंगे अब फिर से हारते या जीतते। अब ये घूमेगा और उल्टा आएगा। उल्टा क्यों आते हैं यार ये लोग? ये ट्रैक में बहुत गड़बड़ी होती है, इसलिए वो एयरफील्ड वाला मस्त है। आ जा टैंकर, इतना बड़ा टैंकर है। यहाँ मत आ, यहाँ मत आ, यहाँ मत आ, यहीं आया। ये इसको ठोके ना, अरे बच गए। यहीं पे आया यार वो टैंकर, रोड बंद रहती यूजुअली, सब उस पर बैट लगा रहे हैं, यानी अच्छी गाड़ी हो सब ने लगाया बैट एक को छोड़ के। और ये रेस होने वाली है शुरू, इतनी भी अच्छी नहीं है। मैंने जल्दी जंप किया था, टाइम देखते क्या है। सबने बैट लगाया था उस पर 12.5। जीते हम, यस जीते, ब्लैक लिंक्स को हराया, ऐसे कमाए हमने मस्त।
ये दूसरी गाड़ी कहाँ से आ रही है इतना दूर से? चलो ये लोगों की रेस है अभी। अब क्या चैलेंज करके फायदा नहीं किसी को, अपने आप रेस लगेगी उसी के साथ खेलेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रेसिंग पसंद आ रही होगी। याद रखिए संडे और ट्यूसडे को मैं रेसिंग के एपिसोड डालता हूँ, बाकी के दिन हम कुछ और नौकरी करते। दो दिन रहता है जब हम पैसे कमाते हैं रेस करके। और आप बताइए आपको 20 मिनट के वीडियो पसंद है या 30 मिनट के पसंद है या फ्यूल ख़त्म होने तक। बहुत लंबा हो जाएगा फ्यूल ख़त्म होने तक। फिर से फंसा गया ये ट्रैक में ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फंस जाते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा। देखते हैं हम क्या होता है। अरे वो बीच में कौन है? अच्छा नीचे आ रहा है क्या? ये रेस हुई स्टार्ट और देखते हैं क्या। हरा दिया उसने, एक ने हरा दिया दूसरे को, मतलब जो आगे गया बहुत आगे चले गया। 14.9 इसे तो हम हरा सकते थे, बहुत स्लो थे दोनों। अगली रेस हमारी है, कौन लगाएगा हमसे चैलेंज? कोई खतरनाक इंजन वाला ना हो यार, इक्वल परफॉर्मेंस वाली होनी चाहिए। इस मॉड में वो ऑप्शन ही नहीं है कि इक्वल इंजन वाला रखूँ या मॉड वाले को बैन करूँ, ऐसा है ही नहीं। इट्स योर टर्न। हारेंगे या जीतेंगे? अरे यार मॉडिफाइड लग गई वाट, मॉडिफाइड ये देखो मॉडिफाइड वाला। मॉडिफाइड वाले के अगेंस्ट तो क्या कर सकते हम, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो। और आप हम गाड़ी मार नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता कैसे होता है, ऐसी खटारा गाड़ी कौन मार करेगा, अपनी तो गाड़ी इतनी मस्त है एकदम। अब ये फिर टेढ़ा होएगा क्या? अरे यार कहाँ जा रहा है, गलत आया वो, गलत आया। और ये लोग भी रेस कर रहे क्या? ट्रक भी आया, ओ ट्रक ने ठोका उसे। सीधे हो जा, सीधे हो जा, मुझे ही करना पड़ेगा उसे। नहीं 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 नहीं, ये ले मैंने तुझे सीधा किया, अब खड़े हो जा रेस के लिए। ओ नो फिर से घूम के जा रहा है, ये हो क्या गया इससे? नेक्स्ट टाइम से मैं ये ट्रैक में आने वाला नहीं यार, यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी, दूसरे ट्रैक्स में नहीं होती ऐसी। वो देखो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। ओ नो उसको मार ही देगा वो। चल ना सीधे हो जा, देखो क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। अब तो सीधा किया उसे, आ जा जगह पे, पागल हो गया, दिमाग घूम गया इसे। मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं आने वाला ये ट्रैक में, ये सब करना पड़ता है। अब तो खड़े हो जा, इतना सीधा किया, हराने तो वाला है मुझे, मॉडिफाइड गाड़ी है, सिर्फ खड़ा होना है तुझे। ओ बाप रे क्या क्या करना पड़ा, मैं तो हारूंगा ये रेस होने वाली है शुरू। बेकार, शो ऑफ था वो, सिर्फ इंजन, कोई दम नहीं था उसमें। और मैं सोच रहा था मैं हारूंगा इससे। 12.6 बेचारे का कितना है? 14।
अरे क्या लल्लू है यार ये नकली साला, नकली इंसान, क्या बेकार इंजन लगा के घूम रहा है, नकली वाला कबाड़ी का इंजन लगाया उसने। तो दोस्तों देखता हूँ कि एपिसोड एंड कर देता हूँ यहाँ, काफ़ी रेस हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा ये फाइनल रेस देखने में। हम हारे नहीं, फाइनल रेस जीते हम, और अच्छा एपिसोड था ये एंड में उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इसलिए मैं ये ट्रैक में नहीं आऊँगा आगे से कभी। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में, अगला एपिसोड कौन सा होगा, शायद GTA 4 का होगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो तो, लाइक करिए, कमेंट करिए, मैं देखूंगा कमेंट अगर टाइम मिला तो। और दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।